दोस्तों इस वक्त मौजूद हूँ मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ये आपको हम कुछ तस्वीरें, ताजनगरी आगरा की एक महिला ने दो दिन पहले कोटा में ट्रेन के आगे छलांग लगाकर माँ बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। दो दिन बाद विवाहिता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यह वीडियो विवाहिता ने मौत से पहले अपनी सहेली को भेजा था और कहा था वह मरना नहीं चाहती, परंतु उसका पति और उसका परिवार और उसकी जेठानी उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह वीडियो उसने इसलिए बनाकर भेजा है ताकि कोई यह ना समझे कि वह किसी के साथ भाग गई है। कोटा में मौत के बाद विवाहिता का आगरा में अंतिम संस्कार किया गया है और देखिए क्या कुछ कहा है महिला ने। वहीं विवाहिता के पिता देव सिंह ने बताया है कि वो आगरा के थाना मलपरा क्षेत्र के आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत टोरा के नगला माकरौन में रहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी फरवरी माह में 2020 में थाना अचनेरा के गांव लालदास के नगला में मुकेश के साथ की थी। पिता का कहना है कि उन्होंने बेटी की शादी में अपनी हैसियत के हिसाब से काफ़ी दान दहेज दिया था, परंतु मुकेश बेटी को आए दिन दहेज के लिए परेशान करता था और उसमें उसका पूरा परिवार भी उसे परेशान करता था। इसमें कई बार पंचायत भी हुई, परंतु पंचायत में हर बार वह परेशान न करने की बात कहता और आखिर में उसने देखी बेटी को लगातार परेशान किया है, जिसके चलते दो दिन पहले मेरी बेटी ने और उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। मेरी बेटी की सहेली ने मुझे एक वीडियो भी दिया है जिसमें मेरी बेटी ने बताया है कि मुकेश और उसका पूरा परिवार उसे दहेज के लिए आए दिन परेशान करता था, जिसके चलते वह अपनी 2 साल की बेटी के साथ आत्महत्या कर रही है। इसके लिए मुकेश और उसका पूरा परिवार जिम्मेदार है। देखिए आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार पीड़ित परिवार के लोग पुलिस के लिए, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं थाना अचनेरा प्रभारी रोहित आर्य ने बताया है कि मामला संज्ञान में है, परंतु इस मामले में अभी कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो जानते हैं पीड़ित पिता से क्या कुछ कहना चाहता है इस पूरे मामले को। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज और बने रहिए खबरों के साथ। वहीं देखिए क्या कुछ बोला है विवाहिता ने मरने से पहले। मैं मरना नहीं चाहती लोकेश, लेकिन मेरे मरने की वजह मुकेश और उसका पूरा परिवार है। मैं ना चाहती हूँ अपनी 2 साल की बेटी को लेकर आज ट्रेन से कटकर मर रही हूँ और तुझे वीडियो इसलिए भेज रही हूँ ताकि तू दुनिया को बता सके कि मैं किसी के साथ भागी नहीं। मेरा नाम देव सिंह है। क्या मामला है सर? मेरी लड़की का मर्डर हो गया है। किसने कर दिया है, कहाँ कर दिया है? मेरे दामाद ने कर दिया है। क्या नाम था दामाद? दामाद का मुकेश कुमार है, जो नगला लालदास रायवा के निवासी है और कोटा में नौकरी करते हैं। कैसे हुआ, कैसे जानकारी हुई, क्या था, कब था? मुझे सर उन्होंने मुझे तो बताया नहीं है, लेकिन मेरे मिलने वालों ने मुझे बताया है कि आपकी बेटी का जो है पता आता पता नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद सूचना मिलती है कि आपकी बेटी का जो है सब रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ है। क्या हुआ, क्या किया आपको, क्या लग रहा है आपको? सर मेरे दामाद ने मेरी बेटी का मर्डर किया है, वही साथ रहते थे। क्या कारण है उसके, क्या कारण? दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। पहले भी कभी शिकायत की थी बेटी ने? कई बार शिकायत की है। क्या किया आप लोगों ने? हमने कई बार पंचायत के सब प्रकार की मांग करते थे। वो पंचायत हुई है कई बार? फिर क्या रहा पंचायत में? क्या फैसला? पंचायत में उन्होंने कई बार कह दी अब मांग नहीं करेंगे, लेकिन फिर बार बार बेटी को पूरा परिवार प्रताड़ित करता था। तो ये कब की घटना है, कहाँ रहे, क्या नाम था बेटी का, कब शादी हुई? मेरी बेटी का नाम आरजू उर्फ श्वेता है। 18 फरवरी 2020 को मैंने शादी की थी मुकेश कुमार सनोप लालदास, सनोप हुब्बला निवासी नगला लालदास रायबा के साथ में शादी की। जानकारी यही आई सर मेरी बेटी का तो संभला है, मुझे कुछ नहीं पता, जो पता होगी उनको बताएगी। और मेरे जाने से पहले, पहुंचने से पहले ही वो पूरा प्रोग्राम मिला, तो मुझे दस सकता है उन्होंने मर्डर करके मेरी बेटी को सबको उस पर रेलवे ट्रैक पर डाल दिया है। क्या आपने पुलिस में शिकायत की? देखो सर पुलिस में हमने शिकायत की, प्रशासन पूरा रवैया प्रशासन पूरा ठीक ठाक ये कह रहा है कि बहू बेटियों को प्रताड़ित किया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारी एक भी नहीं सुनी और हमारी बेटी के सबको उन्होंने जबर से जलवा दिया। अब क्या मांग करते हो? मांग करते हैं हमारी बेटी को न्याय मिले। नारायण देवी। क्या मामला, काहे को आए हो आप लोग? मेरी भतीजी मार रही है। कौन मार रही है?
पीछे। क्या कहना चाहते हो आप? हम यूँ कहना चाहते हैं कि जेल जाए, हमारे तो गए तो गए पर भी तो जेल जाए, इन तो कछ हो इनको तो कछ ना है, सरकार तो मेलन की सुन रही है। तो क्या कहना चाहोगे योगी जी से, क्या कहना चाहोगे आप? योगी जी तो जी कहेंगे कि मेलन की सरकार सुन रही है तो इनकी कर रही सजा हो। राम आदि क्या मामला है जी, किस लिए? ये मारी जे तो मार दी है तो जिन कर दी सजा मिलनी। किसने मार दिया है? ससुराली वाले ने। क्यों मार दिया है? अब दहेज के बारे में, दहेज की मांग करते थे। आप लोगों को कैसे जानकारी हुई? जानकारी ऐसे ही है गई और ही और अन्य पे तो। वो क्या मांग करते हो आप लोग? वो दहेज मांग रहे हैं और कई वे रविंदे वो है गई पंचायत। अच्छा, पहले शिकायत की है बेटी ने? हाँ शिकायत की है। कुछ नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी कुछ प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह सशक्ति अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद भी देखिए दहेज के लिए किस प्रकार बेटियों की बलि चढ़ाई जा रही है। ताजा मामला थाना अचनेरा के लालदास के नगला का है। बताया जाता है कि थाना मलपुरा क्षेत्र के नगला माकरौल निवासी अध्यापक ने देखिए किस प्रकार अपनी बेटी का विवाह लालदास के नगला में किया था और बताया जाता है कि दहेज के लिए ससुराली जनों ने बेटी की बलि चढ़ा दी है, जिसके लिए अध्यापक बार बार अपनी बेटी के न्याय के लिए देखिए किस प्रकार पुलिस प्रशासन के चक्कर लगा रहा है, परंतु अभी तक न्याय नहीं मिला है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।